एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं एक और आपके लिए परांठा की रेसिपी लेकर आई हूँ। देखिए, ये मैंने दूध का पतीला अभी अभी खाली किया है, इसके चारों तरफ मलाई लगी हुई है। तो बेस्ट तरीका है कि वेस्ट भी ना हो, तो आप इसमें आटा लगा सकते हैं। एक कप मैंने लिया है गेहूँ का आटा, नमक मैंने लिया है स्वाद के अनुसार। इसमें मैं अजवाइन वगैरह नहीं डाल रही हूँ, और एक चम्मच के करीब मैंने लिया है ये घी। इसको हाथ से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे, और इसको ना ऐसे आटे को चारों तरफ से मलाई को छुड़ा लेंगे आटे से, ठीक है, चारों तरफ से। ये अपने आप में भी बहुत खस्ता हो जाएगा अगर आप घी नहीं डालना चाहते ना, और इसमें आपके अच्छे से मलाई लगी हुई है तो वो भी सफिशिएंट है, वो भी अच्छा है। तो इस तरह से पतीला भी साफ हो जाएगा और हमारी ये जो है वेस्ट भी नहीं होगा दूध, है ना। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगा लेते हैं आटा। तो ये इस तरह से ना हम थोड़ा सॉफ्ट ही लगाएंगे, बहुत ज्यादा थिक भी नहीं, सख्त भी नहीं, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो सेमी सॉफ्ट डो हम इसका लगाएंगे। देखिए, इस तरह से पूरा साफ हो जाएगा ना ये पतीला। तो इस तरह से लगा के रखते हैं, और ये देखिए जब ऐसे स्मूथ हो जाए ना आटा लगा के, हम इसको थोड़ी देर 10-15 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसको ढक देंगे, मिलते हैं 15-20 मिनट के बाद। तो देखिए, आटा रखे हुए आधा घंटा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से तैयार है। और यहाँ मैं आपको ये मिक्सचर बनाना बताऊँ, ये मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, एक चीज़ क्यूब को ग्रेट कर लिया है, प्रोसेस चीज़ को। ये है थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक चीज़ में भी है, और चिली फ्लेक्स है और ऑरिगेनो है, ठीक है। इनको हम इसमें डाल देंगे सारे हर्ब्स में। और आज हम बना रहे हैं बच्चों की पसंद का पराठा, चीज़ कॉर्न पराठा, कॉर्न चीज़ पराठा। और अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसेस चीज़ के साथ ही इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको करेंगे हाथ से मिक्स, थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए, और एक रोटी जैसे बेल लेते हैं, जैसे हम पराठा बनाते हैं ना ऐसे एक रोटी बेल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोई तोड़ेंगे, आटा बहुत अच्छे से स्मूथ लग गया है। हमेशा आटा ना रेस्ट करने के लिए जरूर रखिए, तब वो आटा अच्छे से उसके फुलके पराठे जो भी हैं बहुत अच्छे से बनते हैं, अगर आटा अच्छे से रेस्ट है तो। अब हम इसको ऐसे बढ़ा के और बेल लेंगे, ठीक है ना, इसकी एक चपाती जैसे बना लेंगे। थोड़ी बड़ी बनाएंगे चपाती, और ये जरूर ट्राई कीजिएगा आप। चपाती बिल गई है। अब हम इसमें ना ट्रायंगुलर शेप में ही ये मिक्सचर रखेंगे, इसको थोड़ा प्रेस करते हुए, और यकीन मानिए बहुत ही यम्मी लगने वाला है, जरूर ट्राई कीजिएगा। और कोई सिंपल सी रेसिपी है, इंग्रेडिएंट्स भी सबके घर में ये होते हैं, कॉर्न भी रखा होता है, चीज भी होता है ना। इस टाइप से हम ट्रायंगल शेप में ही इसको ऐसे रख लेंगे, ठीक है, कम ज्यादा आप अपने तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। हम यहाँ पे लगाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये इस पर अच्छे से चिपक जाए, है ना। और यहाँ पे भी पानी लगाएंगे। तो ये ना बिगनर्स भी बना सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है फिल करना इस तरह से, ठीक है। जब ये अच्छे से चिपक जाए तो एक बार इसको उठाइए, आप थोड़ा सा मोटा भी इसको रख सकते हैं,
लेकिन मैं हल्का से इसको बेलन से प्रेस करूंगी, बहुत हल्का सा, ताकि ये खुले भी ना। अगर आप ज्यादा करेंगे ना तो चीज बाहर निकलने का वो रहेगा। ठीक है, अब हम इसको डालेंगे तवे के ऊपर। तवा ऑलरेडी हमने गर्म होना रख दिया है, ये देखिए इस तरह से हमने परांठा जो है इस पे डाल दिया है। दोनों तरफ से सिकने की इंतजार करते हैं, तो चेक कर लेते हैं परांठा इधर से सिक गया क्या। जी हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सिक गया है। और अब हम इसमें लगाएंगे घी, घी बटर जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। और जब हम सेकेंगे ना तो हम इधर से भी अच्छे से सेकेंगे, ठीक है ना, कहीं से भी ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। एक और रोटी हमारी ये बिल गई है और इसमें भी हम ये अच्छे से, फिलिंग का ना कोई ऐसा मेजरमेंट नहीं है, तो आप जितना चीज खाते हैं, जितना कौन खाते हैं, जैसा लेते हैं आप वैसा इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बस इसको क्या है, हम थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में फैलाएंगे, ठीक है ना, और इस तरह से इसको पैक कर देंगे। पैक करना मैंने पहले भी आपको बताया है। थोड़ा सा इस पे पानी लगाएंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। यहां भी पानी लगाएंगे। इस आटे में ना हमने इसीलिए अजवाइन नहीं डाली क्योंकि ये, और हल्का से इसको बेलन से प्रेस करेंगे, बन गया। अब हम अपना ये पहले वाला पराठा चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, वाह, क्या है, कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा क्रिस्पी मंदी आंच पे ये हो जाए ना तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वाह, देखिए कितना अच्छा ये पराठा बन रहा है। चारों तरफ से सेक कर मिलते हैं आपसे, कितना बढ़िया कलर आया है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ऐसे करके सेक लेंगे तीनों साइड से, और देखिए इस तरह से ये सेक जाएगा, है ना बढ़िया। तो अब हम दूसरा पराठा डाल लेते हैं। और दूसरा पराठा भी सिकने की इंतजार करते हैं, इसको भी पलट लेते हैं। और ये देखिए क्या गजब सिका है, बहुत ही बढ़िया। तो घी लगा के इसको भी दोनों तरफ से सेक कर आपसे मिलते हैं। तो करें इसकी प्लेटिंग, है ना मजेदार। और ये देखिए यमी पराठा। और यहां मैं आपको कट करके दिखाती हूं, ये देखिए, ये देखिए, वाओ, फुल ऑफ चीज, है ना मजेदार। तो आप इसे आटे के सैंडविच कह दीजिए, छोटे से पराठे कह दीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे आप बताइए। मैं आपको यहां कट करके दिखा रही हूं, पराठा बहुत ही लाजवाब, बच्चे बड़े सब पसंद करेंगे। ये देखिए वाह, आपको पास से दिखाती हूँ, है ना मस्त। तो गर्मा गर्म खाइए, देर किस बात की है, और इंजॉय कीजिए ये यमी से पराठे। अगर आप मेरी रेसिपीज पसंद करते हैं तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, जरूर बताइए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लग रही हैं। ये देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।